जयपुर में रविवार को बढ़ते पेट्रोल डीजल के दाम और बिगड़ती कानून व्यवस्था को सुधारने को लेकर जयपुर शहर जिला कांग्रेस ने धरना प्रदर्शन किया। जयपुर के जोरावर सिंह गेट स्थित पेट्रोल पंप पर सभी कांग्रेसी कार्यकर्ता एकत्रित हुए और भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस नेता आर आर तिवारी ने बताया कि भजनलाल सरकार को हम आज जगाने आए हैं, देश में महंगाई की मार झेल रही जनता को समझाने आए हैं कि केंद्र में भाजपा सरकार की जुमलेबाजी में ना आए और इसीलिए ये जागरण किया गया है। आज से पहले देश के जुमलेबाज प्रधानमंत्री, सारा मंत्रिमंडल और ये खुद भजनलाल जी घूमते फिरते थे। राजस्थान में वेट ज्यादा है, पेट्रोल डीजल के दाम ज्यादा हैं, हमारी सरकार बना दो। हमने लोकतंत्र में 3 महीने का टाइम दिया, 3 दिसंबर के दिन हमारा बहुमत खत्म हुआ था। 3 मार्च है, इन्होंने ये भी वादा किया था कि राजस्थान रेपिस्तान बन गया, महिलाओं अत्याचार में नंबर 1 है, डकैती चोरी में नंबर 1 है। आज राजस्थान के अंदर पहली बार मैंने देखा लंबे राजनीतिक जीवन में कि जयपुर जिले के तो मुख्यमंत्री हैं, जयपुर जिले के 2 उप मुख्यमंत्री, महिला कांस्टेबल को छेड़ा जा रहा है, उसके साथ में बदसुलूक की जा रही है महिला कांस्टेबल, और वो भी दिया कुमारी जो उप मुख्यमंत्री है। तो कानून व्यवस्था कहाँ गई? जो राजवर्धन सिंह जी जयपुर ग्रामीण के सांसद हुआ करते थे, जो कहते थे कि नाश्ते के अंदर अगर राज हमारा आ जाएगा नाश्ते।